हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। सो दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप अपना डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ती है, और आज मैं आपको उसी प्रॉब्लम का एक जुगाड़ लेके आया हूँ। वो बहुत ही अल्टीमेट है। जैसे कि आपके डिवाइस में कोई लंबा चौड़ा मैसेज आता है, आप उसे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं, तभी आपका फ़ोन जो है एकदम से लॉक हो जाता है। और आप जब उसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को पैटर्न लगाएंगे, या फिर फिंगरप्रिंट लगाएंगे, या फिर पिन कोड लगाएंगे, जो भी आपने अपने फ़ोन पर रखा हुआ है। तो आपको क्या होता है, ये दिक्कत हो जाती है यार, बार बार कौन अपने फ़ोन को अनलॉक करे, बार बार कौन सब अपने फ़ोन में पैटर्न लगाए या पासवर्ड लगाए। और आज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि आप अपने डिवाइस को कैसे सिखा सकते हैं कि वो कब लॉक हो जाए और कब अनलॉक रहे। दोस्तों, तो आप अपने फ़ोन को सिखा सकते हैं और आपका फ़ोन बिल्कुल जैसे आप चाहेंगे वैसा ही करेगा। जैसे कि आप कोई मैसेज पढ़ रहे होंगे या फिर आप कुछ काम कर रहे होंगे अपने फ़ोन पे, तो आपका फ़ोन लॉक नहीं होगा, और आप चाहेंगे कि आपका फ़ोन लॉक हो जाए, तब आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, और आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इस ट्रिक को कर सकते हैं। और ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके फ़ोन का ही हिडन फीचर है, और ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको यहाँ पर पूरा बताऊँगा। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आप किसी भी फ़ोन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं भी खुद यार, मुझे भी बहुत कई बार क्या होता है, मुझे मैसेज आते हैं बड़े बड़े, तो मैं उसको पढ़ रहा होता हूँ, तो क्या होता है कि मेरा फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ये मुझे खुद आलस लगता है यार, कोई भी है वो बार बार अपने फ़ोन को अनलॉक कौन करे, बार बार पैटर्न लगाए, फिंगरप्रिंट लगाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आपका फ़ोन को आप सिखाएंगे कि आप वो कब लॉक हो जाए। तो चलिए आते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों, वो कौन सी सेटिंग है उसके लिए जाना होगा आपके फोन की सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे चले गए, फिर यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक अगर आपके फोन में स्मार्ट लॉक है तो आपने उसे फाइंड आउट करना है, तो आपको वो कहाँ मिलेगा। तो अगर सैमसंग का डिवाइस है आपके पास तो आपने लॉक स्क्रीन पे जाना है यहाँ पे। तो लॉक स्क्रीन जाना है आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट में या सेकंड फर्स्ट में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट लॉक, ठीक है। फिर आइए, पैटर्न मांगेगा, ठीक है। पैटर्न मांगने के बाद ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया सबसे पहले ऑन बॉडी डिटेक्शन, कीप योर डिवाइस अनलॉक्ड वाइल इट्स ऑन यू, ठीक है। मतलब कि अगर आप इसे यहां से ऑन करेंगे तो क्या होगा, ऑन करने के बाद अगर आपका फोन, ठीक है, अगर आपका फोन आपके हाथ में है, आपकी पॉकेट में है, आप नहीं चाहते कि आपका फोन लॉक हो जाए, तो ये आपका फोन लॉक नहीं होगा जब तक वो उसे आप कहीं स्टिल पोजीशन पे नहीं रखेंगे। जब वो आप उसे अपने फोन में पॉकेट में रखेंगे या फिर आप कुछ मैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपका फोन जो है वो लॉक नहीं होगा। दोस्तों, आप जब तक आप चाहेंगे आप काम करते रहेंगे तो आपका फोन लॉक नहीं होगा। जब आप जो है अपने फोन को कहीं रख देंगे, आप चाहें, आप सोचेंगे कि यार मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसे फोन को यहीं रख देता हूं, उसके बाद आपका फोन अगर लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे लॉक हो जाएगा और आपको पैटर्न लगाना पड़ेगा, पिन लगाना पड़ेगा। तो ये सेटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सेटिंग के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद ट्रस्टेड प्लेसेस, मतलब कि भरोसेमंद जगह, समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ऐड ट्रस्टेड प्लेस, मतलब यहाँ पे भरोसेमंद जगह यहाँ पे ऐड कीजिए। तो मेरी भरोसेमंद जगह कौन सी है, वो है मेरा घर। तो मैं यहाँ पे अपने घर का लोकेशन जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन, यहाँ मान लो कि मैं यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो मेरे घर की लोकेशन जो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मतलब कि मैं अगर अपने घर पे रहूंगा तो मेरा फोन जो है वो लॉक नहीं होगा, मेरे भरोसेमंद जगह है, मतलब कि मेरा घर, जब मैं घर रहूंगा तो मेरा फोन कभी भी लॉक नहीं होगा। जैसे मैं अपने लोकेशन से बाहर जाऊंगा या ऑफिस जाऊंगा या फिर स्कूल कहीं भी जाऊंगा तो मेरा फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और ये काफी अच्छी बात है और ये काफी अच्छी ट्रिक है जिसे आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा ट्रस्टेड प्लेसेस, ट्रस्टेड डिवाइस, सॉरी ट्रस्टेड डिवाइस, भरोसेमंद डिवाइसेस, उपकरण। जैसे कि आप मान लो कि आप अपना फोन को जो है किसी घड़ी से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ, या फिर किसी अपने हेडफोन या हेड ईयर, जो भी आपके पास घर में डिवाइस है जो ब्लूटूथ स्पीकर है, उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका फोन जो है वो अनलॉक रहेगा और वो लॉक नहीं होगा। और आप इजिली अपने फोन में जो है उसे यूज, सॉन्ग वगैरह चेंज करते रहेंगे, कुछ भी काम करते रहेंगे तो आपका फोन जो है वो अनलॉक रहेगा। ये काफी अच्छी सेटिंग है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेसेस और ट्रस्टेड डिवाइसेस, इन तीनों सेटिंग्स का आप यूज कर सकते हैं। मुझे सबसे बढ़िया सेटिंग लगी वो है ट्रस्टेड प्लेसेस, मतलब कि भरोसेमंद जगह। मैं इसे जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, मैं घर आऊंगा तो मेरा फोन अनलॉक रहेगा, मतलब कि लॉक नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।